के पाठक कह रहे हैं कि 9 बजे मतलब 9 बजे आना है सब लोगों को, पूरा गाली गलौज करते हैं, पूरा जितने भी जिला के शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो सब लोगों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा बताया गया हम लोगों को, पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है नीतीश कुमार पर, ब्यूरोक्रेट के कब्जे में चले गए। के पाठक गाली गलौज करते हैं शिक्षकों को, गुरुजनों को अपमानित करने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन ने नीतीश कुमार के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जमकर बरसे। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह राजद विधायक ने के पाठक को निशाने पर लिया है। उसके बावजूद के पाठक जो है उनका तुगलकी फरमान है कि नहीं, मेरे पास वीडियो है, कल का वीडियो है बीसी का, कि उसमें के पाठक कह रहे हैं कि 9 बजे मतलब 9 बजे आना है सब लोगों को। के पाठक इसका मतलब कि मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे करके और उस गद्दी पर के पाठक को बैठा देना चाहिए। बिल्कुल हम लोग उठाएंगे, आपके सामने है, पूरा गाली गलौज करते हैं, पूरा जितने भी जिला के शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो सब लोगों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा बताया गया हम लोगों को कि के पाठक गाली गलौज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीसी में, वो समय बर्बाद करते हैं और 10-10 बजे रात तक, उनको क्या है, उनको तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा वाला हाल है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का हाल है उसी तरीके का हाल के पाठक का है, तो आप देख लीजिए कि के पाठक का तुगलकी फरमान कल फिर भी मुख्यमंत्री को अब शर्म आना चाहिए कि भाई कल सदन में बोले उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है उनका। अब तो पूरे तरीके से बिहार और पूरा देश देख रहा है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है नीतीश कुमार पर, ब्यूरोक्रेट के कब्जे में चले गए हम। लेकिन जब आप लोग सत्ता में थे तब जो है के पाठक के खिलाफ बोलते नहीं थे। अरे हम लोग उस समय भी आवाज उठाते रहे, शिक्षकों के साथ हम लोग पहले से खड़े हैं, यही तो खींच है नीतीश कुमार को कि भाई शिक्षक समाज के लोगों ने महागठबंधन के लोगों को वोट करने का काम किया और नीतीश कुमार को 3 नंबर गियर में लगा करके 3 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। की सरकार में शिक्षा व्यवस्था की लेकर स्थिति को सुधारने के लिए के पाठक ऐसा कर रहे हैं, वो बराबर इस बात को तोड़ा। के पाठक गाली गलौज करते हैं शिक्षकों को, गुरुजनों को अपमानित करने का काम करते हैं। आप समझ जाइए कि कल मुख्यमंत्री सदन में बोले और उसके उनके वक्तव्य के बाद फिर एक वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें के पाठक कह रहे हैं कि भाई स्कूल का जो समय सीमा है वो वही रहेगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लेकिन कहना है कि महागठबंधन की सरकार थी उस समय शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर हो गई, उसको सुधारने के लिए ऐसे सब कदम। के पाठक जिस जिस विभाग में गए ना वो सारे विभाग को बर्बाद करने का काम किए और दिल्ली के एनजीओ को ला करके और पूरे शिक्षा विभाग को लूट करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को लूटने का काम कर रहे हैं के पाठक। तो आपने सुना राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन को, जिन्होंने कहा कि बीते दिन नीतीश कुमार ने सदन में आदेश दिया था कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालय हैं वो 10 से 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि के पाठक ने सीएम के आदेश को नजरअंदाज किया और नया आदेश जारी किया, जिसमें के पाठक ने यह कहा है कि बिहार के सभी विद्यालय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि के पाठक सीएम से ऊपर हो चुके हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और के पाठक को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। साथ ही मुकेश कुमार रोशन ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर शिक्षकों को गाली गलौज करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गुरुओं को के पाठक अपमानित करते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।